नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं सीमित ओबड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज बैंक निफ्टी में जो बुल रन देखने को मिला दैट वाज मेनली पावर्ड बाय एचडीएफसी बैंक। अगर आप चार्ट देखोगे, एक वक्त ऐसा भी था दिन के दौरान जब एचडीएफसी बैंक को छोड़ के सारे स्टॉक्स नेगेटिव थे अर्ली फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉर्निंग एंड स्टिल बैंक निफ्टी वॉज रनिंग गुड। सो निफ्टी में रिलायंस वॉज अ बिग पुल। रिलायंस ने आज अच्छा खासा पुल दिया है मार्केट के ऊपर की तरफ और बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक वॉज द लीडर। सो एक दो बैंक्स के बलबूते पे आज जो बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ा है, क्या सरवाइव कर पाएगा, क्या ये फेक मूव था, चले जाते हैं इस वीडियो में कि कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्या हम कल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ सीधे सीधे निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। और जैसे आप हमारी प्रैक्टिस जानते हो कि तीन लेवल को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, एक आज का हाई, नंबर टू आज का लो एंड नंबर थ्री आज का क्लोज। तो सबसे पहले मैं इन तीन लेवल को मार्क करना पसंद करूंगा। आज का जो लो बैंक निफ्टी ने बनाया दैट इज 42,390। सो यहाँ पे 42,390 को मैं मार्क कर देता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया दैट इज 43,112। सो यू नो आप थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज के दिन में एटलीस्ट एक दिन का जो रेंज 800-900 पॉइंट बना है दैट इज एक्चुअली अ साइन दैट यस बिट ऑफ वॉलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग। और आज जो क्लोज दिया है ना, आज का क्लोज माय डियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है 43,039। कहने का मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी ने आज 42,300 के आसपास का लो बनाया, 42,400 के आसपास का, और वहां से जाके 43,000 के ऊपर क्लोज देना दैट इज रियली रियली टेरिबल। कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि 43,000 का लेवल सरवाइव कर रहा है। और क्या ये फेक मूव था, क्या ये एचडीएफसी ड्रिवन मूव था, ये मैं आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, कल के दिन पता चलेगा कि किस तरह से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड होता हुआ नजर करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हमारे लेवल्स की प्लानिंग कर सकते हैं कि किस लेवल पे बैंक निफ्टी आएगा तो हम हमारे ट्रेड प्लान करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, किस तरह से प्लान कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि कल के दिन अगर आप बेरिश ट्रेड लेने का कुछ सोच रहे हो तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, 50% कर देना। बुलिश ट्रेड में आप यूजुअली जितनी क्वांटिटी ट्रेड करते हो, यूजुअली जितनी करते हो उतनी करना। रिस्क मैनेजमेंट को ब्रेक करने का आपको कभी भी हक नहीं है। अगर आप मेरी बात के साथ अग्री करते हो देन प्लीज टाइप रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, आपको पूरा पूरा टाइप करना है, क्योंकि इतनी टाइप करने में भी अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो कल आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली शॉर्टकट ढूंढोगे। राइट कि चलो लेवल पे आए नहीं है, चलो एक ट्रेड ले लेते, ट्राई कर लेते। मैं आपके पास शॉर्टकट वाला माइंडसेट नहीं बनाना चाहता, इसलिए चाहता हूं कि आप पूरा पूरा टाइप करें, रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। राइट, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपने टाइप किया होगा। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से लेवल हमारे यहाँ बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सो अगर कल बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, राइट, सो पहला लेवल जो हम देख पाएंगे दैट विल बी 42,858। उसके आसपास मैं अपनी एक प्लानिंग रखूंगा, 42,850 का लेवल मुझे यहाँ पे एक चार्ट में। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है इसका भी लो जो बना हुआ है दैट इज 42,822। तो 850 के आसपास के जो लेवल रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद 70 पॉइंट का टारगेट लेके 42,765 तक का टारगेट मैं यहाँ पे लूंगा। 765 अगर ब्रेक करता है तो 42,580 का टारगेट रहेगा। उसके बाद 42,500 का बिग राउंड नंबर का सपोर्ट रहेगा और उसके बाद जो है वो आज का हाई 42,391। तो यहां तक का प्लानिंग मैं करके रखूंगा, 600 पॉइंट का ऑलमोस्ट हमने प्लानिंग करके रखा है, 650 पॉइंट का। चलिए एक अगर आपको और नीचे चाहिए तो एक दो और लेवल हम फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे लिए रहेगा 42,280 और अगर 42,280 निकलता है तो फिर हम 42,100 तक का प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन शॉट डाउनसाइड 900 पॉइंट्स का प्रोविजन मैंने आपको बना के रखा है। सी, आप में से काफी मेरे फ्रेंड्स का सवाल होगा कि अमित भाई तुम इतने लेवल क्यों ड्रॉ करते हो, क्योंकि माय डियर मार्केट कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। जैसे आज का दिन देखो, ओपन होके नीचे गिरा, नीचे से ऊपर गया, आपको अब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आज का दिन में आज बैंक निफ्टी का रेंज देखो, रेंज मतलब लो से लेके हाई तक का, तो 42,390 से लेके 42,311 मतलब ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का रेंज वहां बना हुआ है, 930-940 पॉइंट्स का।
ये रेंज बैंक निफ्टी दे रहा है, अभी वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ रही है, हमारी प्रिपरेशन और ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ के लेवल आपको पता होंगे, देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि चलो मार्केट नीचे जाएगा, मेरे पास नीचे के लेवल है कि मैं कहाँ पे प्लानिंग करूंगा, कौन से लेवल पे ब्रेकआउट प्लान करूंगा, किस तरह, अगर ऊपर जाता है आपके पास ऊपर की साइड की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा आपका होमवर्क रेडी होना चाहिए, इसके लिए मतलब लेवल ड्रॉ करते हैं। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स, जो हमें अभी बोला कि हमारी प्रिपरेशन कच्ची नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए सो अगर यू नो फिन निफ्टी आज के ऊपर क्लोज के ऊपर जाएगा, सो पहला टारगेट जो मैं रखूंगा 43,113 का मेरा पहला टारगेट यहां पर नजर आएगा, ओके 43,112, सॉरी मैंने वहां पर 312 बोला, 700 पॉइंट्स का फिर भी है, सो 42,000 43,112 का मेरा पहला प्लानिंग रहेगा। 43,112 अगर ब्रेक कर पाता है बैंक निफ्टी, राइट, सो नेक्स्ट टारगेट जो मैं प्लान करूंगा दैट विल बी अराउंड 43,300, राइट। 43,300 मेरे लिए एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा। हाँ, इसके बीच में कुछ ज्यादा लेवल मुझे यहाँ पे एटलीस्ट डेली चार्ट में नजर नहीं आ रहे, आर्ली चार्ट में आप पीछे जाके देख सकते हो, दैट इज ओके। फिर अगर 43,300 का लेवल निकालता है तो फिर 43,400, उसके बाद ऑब्वियसली बिग राउंड नंबर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे 43,500 हमारे यहाँ पे पिक्चर में आएगा, और 43,500 के बाद 43,600, इन शॉर्ट 100 पॉइंट्स के हमें यहाँ पे ऊपर लेवल नजर आ रहे हैं, और 43,600 के बाद 43,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल रहेगा। तो इतने लेवल की हम यहाँ पे प्लानिंग करके रखते हैं। आपको यहाँ पे लाइंस बहुत नजदीक नजदीक लग रही होगी, आप बोलोगे कमित इसमें कैसे ट्रेड ले, बट माय डियर जब आप इंट्राडे बेसिस में 5 मिनट्स में चले जाते हो तो देखो कितने अच्छे क्लियर टारगेट्स आपको मिल रहे हैं, राइट। आप 15 मिनट्स में जाके देखो कितने अच्छे क्लियर टारगेट्स यहाँ पे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि लाइंस आपको इतनी नजदीक नजदीक दिख रही है तो ऐसा होगा। अगर आप जस्ट इस चार्ट को जूम कर लो देन यू विल सी कि हाँ आपको अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं, राइट। सो अगर आपको कंटेंट, ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, पावरफुल लग रहा है, जरूर से मुझे पावरफुल लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू।